नमस्कार, मैं हूँ सुदीप और आप देख रहे हो फ्री नॉलेज गेन का वीडियो। आज इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि GSTR 1 को भरना कैसे है। तो मैंने पहले ही आपको एक वीडियो पे बता दिया हूँ GST रिटर्न के बारे में, क्या क्या फॉर्म है, किस फॉर्म में किसका रिटर्न जाएगा। तो उसी में से GSTR 1 को कैसे भरेंगे, GSTR 1 पे क्या भरेंगे। GSTR 1 है एक्चुअली डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि जितने सेल किए हैं, जिस महीने का जितना सेल किए उन सेल का डिटेल्स GSTR 1 पे देना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट हम इसको समझ लेते हैं। तो पॉइंट नंबर वन में क्या है, GSTIN यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो GST में रजिस्टर्ड करने से जो नंबर होता है वही नंबर इस पर देना पड़ता है और ये आपको टाइप करना नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही GST पोर्टल पर घुसिएगा तो उस पर GST TIN ऑटो पॉपुलेटेड है, इस पर दिखेगा। पॉइंट नंबर टू, नेम ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्सेबल पर्सन, आप जिस बिजनेस का आप GSTR 1 भर रहे हो उसका पोर्टल पे जाने के बाद ये भी आपको ऑटो पॉपुलेटेड ये भी नेम आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर थ्री, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द टैक्सेबल पर्सन इन द प्रीवियस फिनेंशियल ईयर। इसको आपको समझना है दोस्तों, ये एक्चुअली आपने GSTR जब फर्स्ट टाइम भरोगे, GSTR 1 जब आप फर्स्ट टाइम भरोगे तब क्या होगा, आपके पिछले फिनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि वो टर्नओवर, वो सेल आपका टैक्सेबल हो सकता है, नॉन टैक्सेबल हो सकता है सेल या सर्विस जो भी हो, तो टोटल उसका जो सेल है, टोटल टर्नओवर आपको फर्स्ट टाइम जब GSTR 1 भरोगे तब इस पे बैठाना है। फिर नेक्स्ट टाइम से जब आप GSTR 1 भरोगे तब आपको इस फील्ड को आपको भरना नहीं पड़ेगा, ये ऑटो पॉपुलेटेड है, ये अपने आप बैठ जाएगा क्योंकि आपने जो डिटेल्स आप भर रहे हो उसके हिसाब से ये नेक्स्ट रिटर्न जब आप लगाओगे तो उसमें आपका प्रीवियस मंथ में क्या, प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में क्या आपका टर्नओवर है वो ऑटो पॉपुलेटेड इस पे बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर, पीरियड, आप किस मंथ का आप रिटर्न दे रहे हो। GSTR 1 एक्चुअली मंथली रिटर्न है, आपको हर महीना लगाना होगा, तो जिस महीने का रिटर्न आप लगा रहे हो उस महीने का नाम इस पे बैठाना है। तो मान लीजिए आपने अप्रैल का रिटर्न दे रहे हो तो आपको मई के 10 तारीख के अंदर ये रिटर्न आप भर रहे हो तो आपको इस मंथ पर लिखना होगा अप्रैल, ईयर पर लिख दीजिए 2017। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर फाइव, तो इसी पॉइंट नंबर फाइव से फंडा शुरू। आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर फाइव है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाइज टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि आपने जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किए हो, चाहे वो सेम स्टेट हो, चाहे वो दूसरा कोई स्टेट हो, ठीक है, जो भी हो, लेकिन होगा वो रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि वो GST पोर्टल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो बिजनेस होना चाहिए, आपने किसी बिजनेसमैन को भेजा, आपने किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेचा है, जो भी हो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है तो उसका डिटेल्स आपको पॉइंट नंबर फाइव पे देना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो अब देना क्या है, देखिए पहले है GSTIN यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, या तो फिर UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक रजिस्टर्ड होता है जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का, तो वो या तो GST का नंबर या तो UIN का नंबर, ये आप इस पर बैठा दीजिए। और दोस्तों एक बात और बोलना चाहूँगा, इसमें आपको यहाँ पे हर एक इनवॉइस का डिटेल्स इस पर देना है, आपको हर एक इनवॉइस का डिटेल्स इस फील्ड में देना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है, पहले आप तो भर दिए इस कॉलम पे GSTN नंबर, फिर आ गया इनवॉइस, इनवॉइस कॉलम पे क्या क्या है, नंबर है, डेट है, वैल्यू है, यानी कि जो इनवॉइस नंबर है वो आप इस कॉलम पे बैठा दीजिए, जो इनवॉइस डेट है आप इस कॉलम पे बैठा दीजिए, इनवॉइस जो वैल्यू है आप इस डेट पे बैठा दीजिए, और जो आपने गुड्स या सर्विस बेचे हो उस गुड्स का नाम या सर्विस का नाम आप इस कॉलम पे बैठाइए। फिर है HSN और SAC, ये एक क्या है दोस्तों, HSN मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर, ये एक कोड है, एक्चुअली हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है जिस कोड से ही पूरा वर्ल्ड में उसको पहचाना जाता है। जैसे कि मानिए एक कलम, हम लोग इंडिया में कलम बोलते हैं, इसी को
अमेरिका में या यूके में क्या बोलता है, पेन बोलता है। तो एक आइटम का अलग अलग कंट्री में क्या होता है, उसका नाम अलग हो सकता है। पाकिस्तान में इसको कुछ और बोल सकता है, या कोई भी जिसका जो अपना लैंग्वेज है वो बोल सकता है। लेकिन अगर इसी को हमने अगर बिजनेस कर रहे हैं, किसी और कंट्री में सेल कर रहे हैं, तो एक कंट्री का लैंग्वेज दूसरे कंट्री क्या होता है नहीं जान पाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसलिए हर एक प्रोडक्ट का एक नंबर होता है, उसी नंबर को HSN कहता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये नंबर एक ही रहता है, ये नंबर इंडिया में जो रहता है, इस पेन का जो HSN कोड है वो कोड अमेरिका में भी है, वो कोड पाकिस्तान में भी है, वो कोड बांग्लादेश में भी है, वो कोड साउथ अफ्रीका में भी है, जहाँ भी है, लेकिन कोड वो सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, किसका कोड, प्रोडक्ट का कोड्स, तो उसका कोड इस पे बैठना है। फिर क्या है, टैक्सेबल वैल्यू बैठा दीजिए। फिर क्या है, देखिए IGST, CGST या SGST। मैं पिछले दो वीडियो में आपको बताया था कहाँ IGST लगता है, कहाँ CGST SGST लगता है। अगर आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो, यानी कि इंट्रा स्टेट मतलब सेमी स्टेट में आप सेल किए हो, तो आपका CGST एंड SGST बोथ लगेगा, एंड इस बोथ कलम को आपको भर देना है। CGST रेट क्या है बैठा दीजिए, अमाउंट क्या है बैठा दीजिए, SGST रेट क्या है बैठा दीजिए, अमाउंट क्या है बैठा दीजिए। अगर ये सेल अगर इंटर स्टेट सेल हुआ, यानी कि आप जिस स्टेट में बिजनेस कर रहे हो उस स्टेट में नहीं, किसी और स्टेट में आप सेल कर रहे हो, तो आपको IGST लगेगा। तो आप IGST का कलम भरिए, तब उसका रेट क्या है भरिए, अमाउंट क्या है भरिए, बस। फिर क्या है, पॉज, यानी कि पॉज का मतलब है प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि आपने दूसरे स्टेट को अगर सप्लाई किया हो, तो उस स्टेट का आपका कोड इस कॉलम पर आपको बैठाना होगा। ओनली इफ डिफरेंट फ्रॉम अदर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, यानी कि आप जब अदर स्टेट पे बेचते हो तभी ये होगा, सेम स्टेट में सेल करने से आपको बैठाना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इंडिकेट इफ सप्लाई अट्रैक्टिव रिवर्स चार्ज, ये कुछ और है, आपको बाद में बताऊँगा, ये भी कुछ और है। इस कॉलम पे आप देखिए GSTIN ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेशन इफ एप्लीकेबल, यानी कि आप अगर किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच रहे हो, स्नैपडील हो, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, जो भी हो, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो उसका GST नंबर आपको इस पे बैठाना है। ठीक है दोस्तों, और इसका डिटेल्स दूसरे पॉइंट पे, वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर वो आपको मैं आगे बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पॉइंट नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट नंबर 5 में क्या भरिएगा, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को आपने जो सेल किया उसका डिटेल्स आपको पॉइंट नंबर 5 में भरना है। ठीक है दोस्तों, वो सेम स्टेट में हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। तो जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल किया वो पॉइंट नंबर 5 में भर दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5A। पॉइंट नंबर 5A क्या है, अमेंडमेंट टू डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाइज टू ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड्स। यहाँ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपने जब VAT का काम किए थे, आपने जब VAT का रिटर्न लगाए थे, तब आपका VAT का जब रिटर्न लगाए थे उसमें कुछ मिस्टेक आ गया, कुछ गलती हो गया या कुछ चेंजेस होगा, तो आप क्या करते थे दोस्तों, उसी रिटर्न को आप क्या रिवाइज रिटर्न लगाते थे, उसी रिटर्न को आप करेक्शन करके फिर से लगाते थे। लेकिन दोस्तों GST में ऐसा नहीं होगा। GST में अगर आपने एक बार रिटर्न भर दिए तो उसको फिर आप टच नहीं कर सकते हो, चाहे वो गलती हो जो भी हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको GST में अगर कुछ गलती हो गया तो कैसे करेक्शन होगा, तो ये फंडा दोस्तों। मान लीजिए आपने पिछले रिटर्न में आपने पॉइंट नंबर 5 भर दिए, अब इस पॉइंट नंबर 5 में आपका कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक्स है, तो आप कैसे इसको करेक्शन करोगे। अब जब आप नेक्स्ट टाइम आप रिटर्न भरोगे, उस रिटर्न पे आपको पॉइंट नंबर 5A नज़र होगा आएगा। इसमें लिखा है अमेंडमेंट ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लायर्स टू ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड्स, यानी कि नेक्स्ट पीरियड में आप जब रिटर्न लगाओगे तब पिछले रिटर्न में आपने पॉइंट नंबर 5 में जो भी मिस्टेक्स किए उसका रिवाइज, उसका करेक्शन आपको इस पॉइंट पे करना है, पॉइंट नंबर 5A पे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो आपने पॉइंट नंबर 5 में अगले रिटर्न पे जो गलती किए, चाहे वो
इनवॉइस नंबर हो, चाहे वो इनवॉइस डेट हो, चाहे वो इनवॉइस वैल्यू हो, चाहे वो इनवॉइस जीएसटी का अमाउंट हो, जो भी हो वो आप इसमें करेक्शन करोगे। तो करेक्शन करने के समय पहले क्या ध्यान रखना होगा, ओरिजिनल इनवॉइस इस पे देखिए नंबर एंड डेट, यानी कि आप पिछले रिटर्न पे पॉइंट नंबर 5 पे जो आपने इनवॉइस नंबर दिए उस नंबर को आपको यहाँ डालना है, और उस इनवॉइस के डेट में जो आपने डेट डाले हैं उसका डेट यहाँ डालना है। चाहे वो आपने पिछले रिटर्न पे गलत डाले, उसी गलत नंबर और उसी वही गलत डेट भी आपको यहीं डालना है, ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल इनवॉइस पे। अब आ जाइए नेक्स्ट, जीएसटीआईएन नंबर, ठीक है, जिसको बेचा है उसका जीएसटीआईएन नंबर, अब रिवाइज और ओरिजिनल इनवॉइस उसका नंबर क्या है। अब अगर उसका आपको लगता है कि उसका इनवॉइस नंबर गलत है, उसका डेट गलत था, तो वो गलती आप इस रिवाइज के इस कॉलम पे आप यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और उसका वैल्यू अगर गलत हो, या गुड्स का नाम गलत हो, टैक्सेबल वैल्यू गलत हो, या आईजीएसटी गलत हो, सीजीएसटी जो भी हो, जो भी गलत हो, आप ये पॉइंट नंबर 5A पे उसको करेक्शन कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 5 में आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो, पॉइंट नंबर 5A में क्या कर रहे हो, पिछले रिटर्न का जो पॉइंट नंबर 5 में जो गलती था वो आप इस रिटर्न पे पॉइंट नंबर 5A पे उसका करेक्शन कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर सिक्स में क्या है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाइज टू ए कंज्यूमर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सप्लाइज टू ए कंज्यूमर। पॉइंट नंबर 5 में क्या था, टू रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन को जो सेल करोगे वो पॉइंट नंबर 5 में जाएगा, और जो कंज्यूमर को सेल करोगे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंज्यूमर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो पर्सनल यूज़ के लिए करेगा, वो बिजनेस के लिए खरीद नहीं रहा है आपसे, पर्सनल यूज़ के लिए या किस और चीज़ के लिए ले रहा है लेकिन बिजनेस के लिए नहीं, उसी को कंज्यूमर बोलते हैं। तो जो भी हो, कंज्यूमर को अगर हमने सेल किए तो आपको पॉइंट नंबर 6 में उसका डिटेल्स भरना है, ठीक है दोस्तों। सिर्फ ये नहीं दोस्तों, और भी पॉइंट है, देखिए मैं आगे बढ़ते हैं। व्हेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन द स्टेट व्हेयर सप्लायर इज लोकेटेड, यानी कि सिर्फ कंज्यूमर को बेचना ऐसे ही नहीं होगा, वो कंज्यूमर आउट ऑफ स्टेट होना चाहिए, यानी कि आपने दूसरे किसी स्टेट पे किसी कंज्यूमर को बेचा है तो ही आपको पॉइंट नंबर 6 भरना है। और एक फंडा है दोस्तों, देखिए, एंड इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन रुपीज 2.5 लाख, एंड उसका इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए। तो तीन फंडा है दोस्तों पॉइंट नंबर 6 में, क्या है, वो कंज्यूमर होना चाहिए, ठीक है, कस्टमर कंज्यूमर होना चाहिए, वो कस्टमर आउट ऑफ स्टेट होना चाहिए, यानी कि आप जिस स्टेट में सेल कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उस स्टेट के छोड़ के किसी भी और स्टेट को होना चाहिए, और उसका कस्टमर का, उस कंज्यूमर का बिल वैल्यू 2.5 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए। ये तीन फंडा अगर मिल जाए तो आपको पॉइंट नंबर 6 भरना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो, चाहे वो सेम स्टेट हो या आउटसाइड स्टेट हो, जो भी हो, आपको पॉइंट नंबर 5 भरना है। और अगर किसी आउटसाइड स्टेट में किसी कंज्यूमर को बेच रहे हो और उसका बिल वैल्यू 2.5 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको पॉइंट नंबर 6 भरना है। इसमें क्या है, रेसिपिएंट स्टेट कोड, अब जिस स्टेट को आप सेल कर रहे हो, जिस स्टेट में, उस स्टेट का जो कोड होता है उस कोड को यहाँ डाल दीजिए, नेम ऑफ द रेसिपिएंट, कंज्यूमर का नाम डाल दीजिए, इनवॉइस डिटेल्स, इनवॉइस का डेट, नंबर, वैल्यू, रजिस्ट्रेशन कोड, टैक्सेबल वैल्यू जो भी है वो बैठा दीजिए, और यहाँ पे देख दीजिए आईजीएसटी का रेट, आईजीएसटी का अमाउंट इस पे डाल दीजिए। एक बात देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं है, क्यों नहीं है, आप आउट ऑफ स्टेट सेल का डिटेल्स आप यहाँ भर रहे हो, तो आउट ऑफ सेल का, आउट ऑफ स्टेट का सेल में तो आपका जीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी नहीं लगता है दोस्तों, इसीलिए एसजीएसटी एंड सीजीएसटी का कलम इस पॉइंट पे नहीं है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6A, एक ही फंडा है दोस्तों, पॉइंट नंबर 5A के जगह, पॉइंट नंबर 5A में जो फंडा है, पॉइंट नंबर 6A में वही फंडा है। तो इस पे क्या है, अमेंडमेंट टू टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाइज टू ए कंज्यूमर ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड व्हेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन द स्टेट व्हेयर सप्लाइज इज लोकेटेड एंड इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन रुपीज 2.5 लाख, यानी कि आपने पॉइंट नंबर 6 में जो भरे हो
उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स हो, उसमें कुछ अगर गलती हो गया तो उसका रिवाइज आपको पहले ही बोले थे, जीएसटी में आप एक बार जो रिटर्न भर दिए उसको टच नहीं कर सकते हो, तो उसका रिवाइज उसका मिस्टेक्स कैसे करेक्शन करोगे, वो जब नेक्स्ट टाइम आप रिटर्न लगाओगे उस समय करेक्शन करोगे, तब कैसे करोगे, पॉइंट नंबर सिक्स में जो मिस्टेक्स था वो आप नेक्स्ट रिटर्न में पॉइंट नंबर सिक्स ए के जरिए आपका वो करेक्शन करना पड़ेगा। तो आपने पॉइंट नंबर सिक्स में जो डिटेल्स डाले थे उसका इनवॉइस का नंबर एंड डेट, ये पॉइंट नंबर सिक्स ए में पहले डाल देना है, यहाँ पे नंबर डेट, फिर आ जाएगा डिसिप्लिन स्टेट कोड क्या है, नेम क्या है, अब रिवाइज इनवॉइस इसमें क्या गलती हुआ है, नेम गलती हुआ है, नंबर गलती हुआ है, क्या डेट गलती हुआ, या टैक्सेबल वैल्यू गलती हुआ, या आईजीएसटी का फिगर गलती हुआ, जो भी वो आप सिक्स ए के जरिए वो करेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जीएसटी फाइव पॉइंट नंबर फाइव में क्या है, आप रजिस्टर्ड पर्सन के जो सेल कर रहे हो उसका डिटेल्स भर रहे हो, और पॉइंट नंबर सिक्स में क्या कर रहे हो, पॉइंट नंबर सिक्स में आप कर रहे हो कि आउट ऑफ स्टेट में किसी कंज्यूमर को बेच रहे हो और उसका बिल वैल्यू 2.5 लाख या उससे ज़्यादा है तो उसका डिटेल्स भर रहे हो। ठीक है, और पॉइंट नंबर फाइव ए में क्या भर रहे हो, पिछले रिटर्न में पॉइंट नंबर फाइव में जो गलती था उसके रिवाइज का या करेक्शन का डिटेल्स आप पॉइंट नंबर फाइव ए में दे रहे हो। सिक्स ए में क्या दे रहे हो, पिछले रिटर्न में अगर अगर पॉइंट नंबर सिक्स में आपका कुछ गलती हुआ है तो उसका करेक्शन या रिवाइज आपको नेक्स्ट रिटर्न पे पॉइंट नंबर सिक्स ए के जरिए वो करेक्शन कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, तो नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सेवन, पॉइंट नंबर सेवन क्या है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज टू कंज्यूमर अदर देन सिक्स अबव, यानी कि पॉइंट नंबर सिक्स में जो है उसको छोड़कर बाकी जो इनवॉइसेस है उसका डिटेल्स आपको पॉइंट नंबर सेवन में देना पड़ेगा। किसका, तो पॉइंट नंबर सिक्स में क्या है पहले सोचिए, एक है वो किसी कंज्यूमर को बेचना होगा, कंज्यूमर है, नेक्स्ट फंडा क्या था उसका, वो आउट ऑफ स्टेट किसी को सेल करना है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है क्या, वो भी तो होगा, जे सेम स्टेट में तो सेल होगा, तो अगर सेम स्टेट में सेल हुआ है उसका डिटेल्स आपको इस पॉइंट नंबर सेवन में देना है। ठीक है दोस्तों, सेम स्टेट पे अगर सेल हुआ है, क्योंकि सेम स्टेट पे जो सेल हुआ है उसका डिटेल्स तो आप पॉइंट नंबर सिक्स पे नहीं भरे हो, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेट का जो सेल है उसका डिटेल्स भरे हो, तो आपने सेम स्टेट में जितने भी कंज्यूमर को सेल किए हो वो पॉइंट नंबर सेवन पे भर दीजिए। और क्या पॉइंट है, पॉइंट नंबर सिक्स में क्या था, और एक पॉइंट जो उसका इन्वॉइसेस अमाउंट 2.5 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मान लीजिए आप आउट ऑफ स्टेट सेल किए हो किसी कंज्यूमर को, लेकिन उसका बिल अमाउंट या इन्वॉइस अमाउंट 2.5 लाख नहीं है, उससे कम है, तो उस इन्वॉइस का डिटेल्स कहाँ देना पड़ेगा, जी हाँ, ये पॉइंट नंबर सेवन पे उस पर डिटेल्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, या तो फिर सेम स्टेट में भी हो, जो भी हो, पॉइंट नंबर सिक्स को छोड़कर जो आइटम है उसका डिटेल्स आपको सेवन पे भरना पड़ेगा। इस सेवन पॉइंट पे एक बात और ख्याल रखिएगा दोस्तों, पॉइंट नंबर फाइव एंड सिक्स पे क्या करते थे, हर इनवॉइस वाइज हमको डिटेल्स भरना पड़ता था, हर इनवॉइस का नंबर, हर इनवॉइस का डेट, हर इनवॉइस का वैल्यू, हर इनवॉइस का सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, ये इंडिविजुअली पुट अप करना पड़ता है। लेकिन पॉइंट नंबर सेवन में क्या है, देखिए इस पर कोई इनवॉइस का डिटेल्स देना नहीं पड़ रहा है, इस पर क्या देना पड़ेगा, सिर्फ एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू देना पड़ेगा, यानी कि आपको पॉइंट नंबर सिक्स को छोड़ के जो फंडा आ रहा है, मैंने यानी कि सेम स्टेट सेल या 2.5 लाख से कम, तो ये सब जितना भी इनवॉइस आपका आ रहा है ये टोटल करके जो एग्रीगेट टैक्स वैल्यू आ रहा है, टैक्सेबल वैल्यू, वो आपको यहाँ बैठाना है। जो टोटल SGST का फिगर या CGST फिगर या IGST का फिगर जो भी है वो आपको यहाँ इसी फील्ड पे बैठाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पॉइंट नंबर सेवन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर सेवन ए, सेम चीज़ है दोस्तों, पॉइंट नंबर फाइव ए, पॉइंट नंबर सिक्स ए, पॉइंट नंबर सेवन ए, सेम चीज़ है। अगर आपने पॉइंट नंबर सेवन पे पिछले रिटर्न में कुछ गलती की है तो उसका रिवाइज या करेक्शन आप नेक्स्ट रिटर्न जब कर रहे हो तब पॉइंट नंबर सेवन ए के जरिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसको फिर से डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, एक ही फंडा है दोस्तों, आपका जो करेक्शन इस पे
करना है ये इसका करेक्शन, वो आप इस फिगर पे कर दीजिए, इस फील्ड पे 7A के फील्ड पे कर दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है? पॉइंट नंबर 8 में है डिटेल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, यानी कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट हम लोग जो इशू करते हैं किसी को महीने के शेष या हर 3 महीने के अंतर या हर 6 महीने के अंतर किसी को डिस्काउंट देना है या किसी का माल रिटर्न देना है जो भी है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का जो भी डिटेल्स रहेगा, उसका नंबर, GST किसको कर रहे हैं, उसका डिफाइंड वैल्यू क्या है, वो आपको ये पॉइंट नंबर 8 पे भरना है। ठीक है दोस्तों, इस पे और एक फंडा है, देखिए दोस्तों, अदर देन रिवर्स चार्ज और है रिवर्स चार्ज, दो ऑप्शन है। तो आपको किस कलम में किस रो पे इस कलम का डिटेल्स डालना होगा? अगर आप रिवर्स चार्ज दे रहे हो तो आपको इस कलम में देना पड़ेगा डिटेल्स, अगर आप रिवर्स चार्ज नहीं दे रहे हो तो आपको इस कलम में इसका डिटेल्स भरना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं रिवर्स चार्ज होता क्या है। रिवर्स चार्ज है एक्चुअली जब आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीद रहे हो तो उस पर एक रिवर्स चार्ज लगता है। ठीक है दोस्तों, वही है रिवर्स चार्ज। तो अगर आपका रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो आप इस कलम के इस रो के जरिए आप इस कलम को भर दीजिए, अगर आप नहीं हैं तो इस कलम के इस रो के जरिए इस कलम को पूरा भर दीजिए। तो ये है पॉइंट नंबर 8। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 8A, अमेंडमेंट टू डिटेल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड्स, एक फंडा दोस्तों, ये भी एक ही फंडा है। पिछले रिटर्न में आप पॉइंट नंबर 8 पे कुछ गलती किए हो तो नेक्स्ट रिटर्न पे आप पॉइंट नंबर 1 के जरिए उस गलती का करेक्शन कर लीजिए, बस सेम चीज है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में क्या है दोस्तों, हम लोगों वैट में क्या था, बहुत सारे प्रोडक्ट होते थे जो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, नील होता है, उसमें टैक्स नहीं लगता था, वैट नहीं लगता था, वो GST में भी है। तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको पॉइंट नंबर 9 में देना पड़ेगा, नील रिटर्न एग्जेम्प्टेड और नॉन GST आउटवर्ड सप्लाइज जो भी हो, गुड्स या सर्विस का नाम इस कलम पे, नील रिटर्न का अमाउंट इस कलम पे, अगर एग्जेम्प्ट है एग्जेम्प्ट अमाउंट इस कलम पे, अगर नॉन GST सप्लाइज है तो उसका अमाउंट इस कलम पे। अब देखिए इसको किसी रो वाइज डिवाइड किया हुआ है, अब हमको किस रो पे बैठाना है। तो देखिए फर्स्ट में है इंटरस्टेट सप्लाइज, यानी कि आउट ऑफ स्टेट, आप किसी और स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, और किसको कर रहे हो, टू रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को आउट ऑफ स्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो उसका डिटेल्स आपको इस रो वाइज इस कलम को भरना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इंटरस्टेट सप्लाईज, यानी कि आप सेम स्टेट में सप्लाई कर रहे हो गुड्स, टू रजिस्टर्ड पर्सन, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आपको इस रो वाइज आपको इस कलम को भर देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाइए इंटरस्टेट सप्लाईज, यानी कि आउट ऑफ स्टेट का जो सप्लाई है, जो सेल है, किसको, ना टू कंज्यूमर को, तो आपको इस रो वाइज आपको इस कलम को भरना है। और अगर आपका इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है, सेम स्टेट में सप्लाई हो रहा है, किसको, टू कंज्यूमर को, किसी कंज्यूमर को, नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, तो आपको इस रो वाइज आपको इस कलम को भरना है। तो ये है पॉइंट नंबर 9। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में क्या है, सप्लाईज एक्सपोर्टेड इंक्लूडिंग डीम एक्सपोर्ट, हम लोग सेम स्टेट में सेल करते हैं, आउट ऑफ स्टेट किसी और स्टेट में सेल करते हैं, ये भी तो हो सकता है दोस्तों, किसी हम दूसरे देश पे हम सेल कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस फंडा में आपका आएगा पॉइंट नंबर 10। अगर आप किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका डिटेल्स आपको पॉइंट नंबर 10 पे भरना है, उसका डिस्क्रिप्शन, इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST जो भी लगेगा, उसका रेट, सब आपको ये पॉइंट नंबर 10 पे पढ़ना है। और यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम है, देखिए दोस्तों, शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ये क्या है, आप जब और कंट्री, दूसरे कंट्री को सेल कर रहे हैं तो आपको शिपिंग का एक बिल होता है, तो उस बिल का नंबर एंड उस बिल का डेट आपको इस कॉलम पे भरना है, और आपका जो इनवॉइस है उस इनवॉइस का नंबर एंड डेट आपको इस कॉलम पे भरना है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब पॉइंट नंबर सॉरी यहाँ एक और पॉइंट है पॉइंट नंबर 10 पे, क्या देखिए ये दो रो पे डिवाइड किया हुआ है। एक है विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, जो जीएसटी पेमेंट के बिना जो सेल कर रहा है तो वो इस रो वाइज आपको भरना है। अगर आप विद पेमेंट ऑफ जीएसटी, आप पेमेंट जीएसटी पेड करके आप सेल कर रहे हो तो आपको इस रो वाइज आपको फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10A, वही दोस्तों एक ही फंडा, आपने 5A पे, 6A पे, 7A पे जो किया, 8A पे जो किया, 10A पे भी सेम, आपने अगले रिटर्न पे 10 पॉइंट नंबर 10 पे कुछ मिस्टेक्स किए तो वही चीज़ आपने नेक्स्ट रिटर्न को, नेक्स्ट रिटर्न में पॉइंट नंबर 10A में उसका करेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 क्या है, टैक्स लाइबिलिटी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई विदाउट इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस इन द सेम पीरियड। बहुत बार दोस्तों क्या होता है, हम लोग बिल इशू नहीं करते लेकिन हम लोग प्रोडक्ट कस्टमर को भेज देते हैं चालान के साथ, तो कस्टमर को माल तो भेज दिए हमने लेकिन बिल इशू नहीं किए, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी तो अराइजिंग हुआ है, फिर हमने सोचिए टैक्स भी भर दिए, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है। जीएसटी नंबर क्या है, स्टेट कोड क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, डेट क्या है, गुड्स क्या है, सर्विस टैक्स का, आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है, जो भी है। और इस कलम पे क्या देना है, अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड, वैल्यू ऑफ सप्लाइज प्रोवाइडेड विदाउट अराइजिंग ए बिल, यानी कि आपने बिल अराइज नहीं किए आप सप्लाई के टाइम, आप एडवांस भी ले लिए, उस एडवांस में से आप टैक्स पे कर रहे हो, और जिस एडवांस, जिस फिगर में आप एडवांस ले रहे हो उस फिगर आपको यहाँ भरना है। ठीक है दोस्तों, और आप जब टैक्स भरोगे तब उसका एक नंबर दिया गया होगा, उसका कोड दिया गया होगा, उस कोड को अब रखिए, आप उसको अब अगले आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 है, एक ही फंडा है दोस्तों। पॉइंट नंबर 11 में अगर कुछ गलती की है तो उसको नेक्स्ट रिटर्न में पॉइंट 11A के जरिए उसको रिवाइज और करेक्शन करिए। नेक्स्ट है 12, पॉइंट नंबर 12, इसमें क्या है, टैक्स ऑलरेडी पेड, यानी कि पॉइंट नंबर 11 पे टैक्स हमने पेड कर दिए ऑन इनवॉइसेस इशूड इन द करंट पीरियड, अब हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स आपको इस रिटर्न पे यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उस इनवॉइस नंबर को देना यहाँ दे दीजिए। अब देखिए ट्रांजेक्शन आई डी, आपको बोला था पॉइंट नंबर 11 पे जब आपने माल भेजा था, आपने एडवांस ले लिया था, आपने टैक्स भर दिए थे, तो टैक्स भरने का जो आपको नंबर मिला है वही है यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन आईडी, उस नंबर को आपको यहाँ भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट जो भी आईजीएसटी सीजीएसटी का जो फिगर है आप उसको यहाँ भर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए पॉइंट नंबर 13 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 13 पे क्या है, सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल्स ऑफ अदर कंपनीज, यानी कि आपने किसी अदर्स कंपनी को ई कॉमर्स के पोर्टल के जरिए माल सप्लाई किए हैं तो उनका डिटेल आपको पॉइंट नंबर 13 पे देना है। और पॉइंट नंबर 13 पे देखिए आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है, एक है पार्ट नंबर 1, एक है पार्ट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 आपको समझ में आ गया, ई कॉमर्स के थ्रू अगर किसी और कंपनी का प्रोडक्ट हम लोग पोर्टल, ई कॉमर्स पोर्टल पे किसी और कंपनी को सेल कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स इस पे देना पड़ेगा। अब देखिए, सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल ऑफ अदर कंपनीज टू रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, यानी कि आपने जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सेल किए वो अगर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है तो उसका डिटेल्स आपको ये पॉइंट नंबर 13 के पार्ट 1 पे भरना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक बात आपको और बताना चाहूँगा, ये फॉर्म एक्चुअली ऑटो पॉपुलेटेड है, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिक फिल कैसे होगा, ये ऑटोमेटिक फिल ऐसे ही होगा, देखिए दोस्तों जब पॉइंट नंबर 5 ने आपने फिलअप किए थे, देखिए पॉइंट नंबर 5 रजिस्टर्ड पर्सन को, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया उसका डिटेल्स आप पॉइंट नंबर 5 में भरे थे, तो उसका देखिए लास्ट में आपको बोले थे जीएसटीएन ऑफ ई कॉमर्स पोर्टल ऑपरेटर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी सेल हो रहा है उनका जीएसटीएन नंबर, तो उसका नंबर जैसे ही आपने इस पे दे दिए तो यही चीज ऑटो पॉपुलेटेड होके पॉइंट नंबर 13 के पार्ट 1 पे आ जाएगा, इस पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जो जो फील्ड भरना पड़ेगा वो आप भर दीजिएगा, जैसे कि देखिए एक पॉइंट है मर्चेंट आईडी
इशूड बाई ई कॉमर्स ऑपरेटर, यह आईडिया आपको पॉइंट नंबर 5 में नहीं मिला था, तो अभी इसको यहाँ भर दीजिए। बस बाकी देखिए इनवॉइस नंबर, डेट, ग्रॉस वैल्यू, टैक्स वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, ये सभी आपको पॉइंट नंबर भर में भर चुके होंगे और वही चीज़ इस पर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट नंबर 13 के ही पार्ट टू में। पार्ट टू क्या है, सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल्स ऑफ अदर कंपनीज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, यानी कि आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू माल सेल किए और वो कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसके डिटेल्स आपको इस पार्ट में भरना है। उसका मर्चेंट आईडी इशूड बाई ई कॉमर्स क्या है, उसका जीएसटीएन नंबर अगर तो क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, टैक्स वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो भी है उसका डिटेल्स आपको ये पॉइंट नंबर 13 के पार्ट टू में भरना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2A, अमेंडमेंट टू सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल ऑफ अदर कंपनीज टू अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। यही दोस्तों पॉइंट नंबर 13 के 2 पे जो फिलअप किया है, इसका अगर कुछ मिस्टेक हो गया, यही चीज़ आपको ये पार्ट 2A के जरिए नेक्स्ट रिटर्न को रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट नंबर 14, इन्वॉइसेस इशूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड इंक्लूडिंग इन्वॉइसेस इशूड इन केस ऑफ इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन्स लायबल फॉर रिजर्व चार्ज, यानी कि जो रिजर्व चार्ज के लिए लायबल है, जो जिस सप्लाई से हम लोग माल खरीद रहे हैं इनवर्ड सप्लायर्स, वो अगर अनरजिस्टर्ड है उस टाइम रिवर्स चार्ज लगता है, और जो रिवर्स चार्ज लगता है उसका डिटेल्स आपको ये पॉइंट नंबर 14 में देना पड़ता है। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस, टोटल सीरियल नंबर क्या है, फॉर्म 2, ये टोटल डिटेल्स आपको ये फॉर्म 14 में आपको देना है। ठीक है दोस्तों, यही है लास्ट पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये फॉर्म, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप कब इससे भी कुछ और कुछ जानना है या फिर आपको कुछ समझ नहीं पाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो का आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक नया टॉपिक है, नया जीएसटी आने वाला है, तो हर किसी को ये जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत लोग इसको जान पाए। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को, मेरे चैनल को फ्री नॉलेज गेन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम जब भी नए वीडियो डालते रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।